नमस्कार, मैं अरुण अग्निहोत्री प्रांतीय जूनियर हाई स्कूल अनुदेशक संघ से। जैसा कि आपका प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति पूर्णतः 26 जनवरी को लागू होने जा रही है, जैसा कि हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा है। वाकई में सरकार से हम लोग उम्मीद करते हैं कि नई शिक्षा नीति के जो प्रावधान हैं, जिसमें संविदा सबको समाप्त किया जा रहा है, और अगर नई शिक्षा नीति पूर्णतः इस भारत के अंदर लागू होती है तो शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत सभी शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को समायोजित करते हुए एक प्रशिक्षित वेतनमान सरकार हम सभी को दे, ऐसी हम सभी की उम्मीद है और अपेक्षा है। आशा करता हूँ कि सरकार नई शिक्षा नीति लागू करने के बाद सभी अनुदेशकों को समायोजित करते हुए, संविदा सत्र को समाप्त करते हुए, हम सभी को सरकार की गाइडलाइन के अनुसार न्यूनतम वेतनमान देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शोएब राजपूत, जिला महामंत्री, प्रांतीय जूनियर हाई स्कूल अनुदेशक संघ शाहजहाँपुर, नववर्ष पर अपने समस्त जनपद के अनुदेशकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्ज्वल भविष्य की मनोकामना करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आने वाला नया साल जो है वो हम सब के लिए एक नई रोशनी लेके आए, जिससे हम सभी संविदा कर्मियों को लाभ पहुंचे। धन्यवाद। मैं इस चैनल के माध्यम से सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ देते हैं और आशा करते हैं कि नए साल में जितने भी संविदा कर्मी हैं, शिक्षा मित्र हुए, अनुदेशक हुए, सब नियमित हो जाएं, और सरकार से भी हम यही अपील करते हैं। आपके चैनल अनुदेशक न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।